राधे राधे सभी को। देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी का हलवा। उसके लिए मैंने ये 2 लीटर का करीब दूध है, उसमें थोड़ा सा पानी लगा दिया था क्योंकि घर के लिए ही रखा था मैंने तो। और मैं 1 लौकी ले लूँगी 1 किलो की, और उसको कद्दूकस करके इसमें डालूँगी। ये देखिए जो मैंने दूध रखा था वो मीडियम गैस करके ओवन ले दिया है क्योंकि बीच में मैं अपना और काम करती रही, गैस स्लो कर दी है। और ये देखिए मैंने 1.5 किलो के करीब 1500 ग्राम ये कद्दूकस में मैंने कद्दूकस कर लिए। और अब इसको निचोड़ के मैं इस दूध में डाल दूँगी। और जब भी आप कद्दूकस करें ना तो उसके इस तरह के जो बीज होते हैं अंदर लौकी के, साइड से कद्दूकस कर लीजिए, ये जो बीज होते हैं उन्हें छोड़ दीजिए। हमें इन्हें छोड़ के इन्हें दूध में डालती हूँ, फिर उसके बाद जैसे हम खोआ बनाते हैं उस तरीके से चलाएंगे। जब तक वो बिल्कुल टाइट हो जाए तब तक चलाते रहेंगे। देखिए ये मेरा दूध में लौकी डाल दी थी मैंने, ये बॉयल हो चुकी है। आप चाहो तो लौकी को थोड़ी 2 चम्मच घी लगाकर और कढ़ाई में पहले से भून सकते हैं इससे कि पानी जल जाए, लेकिन मैंने डायरेक्ट ही डाल दी है। कभी कभी ऐसा होता है लौकी डालने से ना दूध फट जाता है, तो आप भून कर भी डाल सकते हैं उसे। और ये देखिए मैंने 10-15 काजू कट कर लिए हैं, और ये मैंने 300 ग्राम के करीब ये डिब्बा है मेरा, ये चीनी ले ली है, ये मैं काजू डालूंगी इसमें और ये चीनी डाल दूँगी। और वैसे हम चलाते रहेंगे जब तक ये हमारा अच्छे से टाइट नहीं हो जाए। बहुत ही टेस्टी लगता है ये दूध वाला जो लौकी का हलवा होता है। आप चाहें तो मावे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं दूध से बनाती हूँ, मुझे ये दूध वाला ही अच्छा लगता है। जब भी मेरे बच्चे दूध नहीं पीते हैं तो मैं उनके लिए ये बना देती हूँ, और मेरे बच्चे यही पसंद करते हैं। तो आप भी ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि आप किस तरीके से बनाते हैं, और आपको मेरा लौकी का हलवा इस तरह से बनाना आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में बताइए। आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी के भाइयों की खूब भगवान लंबी उम्र दे और ढेर सारी खुशियाँ आए उनके जीवन में। हैप्पी रक्षाबंधन। देखिए अभी इस तरह की हो गई है, अभी ये पतली है, अभी और चलाएंगे इसे हम। देखिए टाइट हो जा रहा है इस तरह से, अभी और चलाएंगे हम इसको। देखिए इस तरह का हो गया है अभी। जब ये बनने को होता है ना तो इस तरह के देखिए बबल उठते हैं, इससे कि हाथ जलने का डर रहता है। तो आप ना या तो ग्लव्स पहन लीजिए या फिर आप इस तरह से अपने हाथ पर कपड़ा लपेट लीजिए, इससे कि हमारा हाथ नहीं जले। और थोड़ा ध्यान से कीजिए, इस तरह से टाइट हो चुका है। और आप 4 थोड़ी छोटी इलायची होती है जो ग्रीन वाली, वो डालें तो उससे बहुत ही टेस्ट आता है, खुशबू भी रहती है हमारे इसमें। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैंने नहीं डाली है, लेकिन आप डालिए उन्हें, थोड़ा छिलके को हटाकर कूट लीजिए। इसमें आप अदरक कूटते हैं उसमें, और फिर डालिए। देखिए इस तरह से गाढ़ा हो गया है, और बंद नहीं करना है, जब ये टाइट होने लगे लगातार चलाना है आपको, नहीं तो ये लग जाएगा और बेकार हो जाएगा। इस तरह से चलाते रहिए। शुरू में चाहें तो आप अपना स्लो करके
कर सकते हैं, अपना काम करते रहिए और गैस पर रख दीजिए। मैंने ये मेरा दो ढाई लीटर के करीब दूध था और उसमें मैंने 300-350 ग्राम चीनी डाली थी और 10-15 काजू डाल दिए थे और लौकी के बीज निकाल लें आप। और अगर आप थोड़ा बनाना चाहते हैं तो 750 ग्राम लौकी का, तो उसके लिए आप 1 लीटर दूध ले सकते हैं, जैसा आप चाहें आपके पास हो दूध, जितना अच्छा होगा ये बहुत ही उतना ही टेस्टी होगा। अगर कम है तो आप कम से ही बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास दूध है ज़्यादा तो उससे थोड़ा टेस्टी बन जाता है। देखिए ये गाढ़ा होता जा रहा है हलवे की तरह और खोवे की तरह हो गया है ये, बिल्कुल बहुत ही टेस्टी लगेगा। अभी और मैं टाइट करूँगी इसको, अभी थोड़ा मुझे पानी सा लग रहा है इसमें, जितना भी टाइट होगा उतना ही टेस्टी लगेगा ये। ये देखिए कुछ मैंने ये खरबूजे की बींग हैं, क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है तो मैं साफ़ कर रही थी इनको, तो वो डाल ली है मैंने, थोड़ी ही हैं। और ये कुछ गोला काट लिया है मैंने, ये देखिए गोला और ये बीज हैं, ये और ऐड करती हूँ इसमें। आप मखाने नहीं इसमें डालें, क्योंकि मखाने से थोड़ा टाइट से हो जाते हैं वो। किशमिश अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, मेरे बच्चे नहीं खाते इसीलिए मैंने नहीं डाली है। तो देखिए हमारा लौकी का हलवा बन चुका है इस तरह से, बहुत ही अच्छा बना है। आप ही अपने घर बनाकर देखिए और हमें बताइए कैसा बना। ये देखिए रेडी है हमारा लौकी का हलवा, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि खोवे वाली जो बर्फ़ी होती हैं। और इस पर थोड़ा सा हम बुरादा भी डाल सकते हैं, गर्मा गर्म खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे फ्रिज में रखकर कई दिन चला सकते हैं, 4-5 दिन, फास्ट में भी आप बना सकते हैं। रात रात सभी को मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनके लिए थैंक यू। और सभी से हाथ जोड़ के विनती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी रक्षाबंधन। देखिए ये मैंने ट्रे में घी लगाकर इस तरह से फैला दिया है और ऊपर से गोला डाल दिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप इसे और डेकोरेट कर सकते हैं ऊपर काजू बादाम लगाकर। देखिए आप अपने रक्षाबंधन पर अपने भाई को होममेड मिठाई खिला सकते हो, तो आप बनाइए। राधे राधे सभी को।